देखिए, जब बच्चा अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है ना कि फिर वो उस अकॉर्डिंगली जो आप समझते हैं कि बच्चे को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज है, वो खुद डिस्टर्ब है. तो जब बच्चा अपने जज्बात को नहीं समझ पा रहा, अपने जज्बात को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन नहीं दे पा रहा, तो ऑब्वियसली फिर वो जो भी रिएक्शन देगा, जो भी बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, वो प्रॉब्लमैटिक होगा. अब प्रॉब्लमैटिक होने के भी डिफरेंट लेवल्स हैं. हर घर के अपने रूल्स एंड बाउंड्रीज हैं. जहां पे बच्चा जब उनके अकॉर्डिंगली अपने रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो पेरेंट्स फॉरन कहते हैं कि इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जरूरत है. बट देयर आर सम चंक्स. हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन तब करते हैं कि जब बच्चे हमें टू सेटिंग्स में, जब बच्चे की बिहेवियर की कंप्लेंट्स आती है, एक तो जब बच्चे के दोस्तों की तरफ से या उसके स्कूल की तरफ से.